इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधारोपण करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण रहने योग्य बन सके। अनुसुईया सेवा संगठन द्वारा नगर के श्री राम मंदिर के पुजारी श्री विश्वकेसेन देशमुख जी के जन्मदिन पर पौधा भेंट कर रोपित किया गया। साथ ही संगठन द्वारा पुजारी जी को संकल्प दिलाया कि वो जहां भी पूजा अनुष्ठान करने जावे तो वह अपने यजमानों को उस दिन एक वृक्ष लगाकर अनुष्ठान प्रारंभ करने का संकल्प दिलाए एवं साथ ही नगर के युवा व्यवसायी निखिल जैन जी को जन्मदिन पर पौधा भेंट किया। वह साथ ही संगठन द्वारा संकल्प दिलाया कि आने वाले जन्मदिन पर एक पौधा रोपित कर पांच अन्य लोगों को पौधा भेंट करे जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहेगा। अनुसुईया सेवा संगठन के कृष्णा साहू ने बताया कि वृक्ष मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष लगाकर हम अपने पर्यावरण व परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं। प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वातावरण के लिए खतरनाक प्लास्टिक जैसे कई पदार्थों का उपयोग बंद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे जल को बचाने का संकल्प दिलाया। जंगलों को नया जीवन देकर पेड़ पौधे लगाकर बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से स्टोर कर सकते हैं। सभी अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। थोड़ा समय प्रकृति के लिए जरूर निकालें, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। इंडियन टीवी न्यूज से आरिफ पटेल की रिपोर्ट। जय अनुसुईया। अनुसुईया सेवा संगठन द्वारा सतत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वृक्ष एक पहल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शुभ कार्य हो जैसे जन्मदिन, विवाह, विवाह वर्षगांठ, भागवत कथा, इसमें संगठन के सदस्य घर पहुंचकर एक पौधा भेंट करते हैं। जिसका भी जन्मदिन हो उसे संकल्प दिलाते हैं उस पौधे को पाल कर बड़ा करे और आने वाले जन्मदिन पर स्वयं एक पौधा लगाए। संगठन इस मुहिम के तहत आप जिन लोगों को भी पौधे भेंट करेंगे उनसे निवेदन कर रहा है कि आने वाले समय में हर शुभ कार्य पर स्वयं के द्वारा अन्य लोगों को पांच पौधे भेंट करें। ऐसी परंपरा सभी बनाए जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे। आने वाले समय में हमारे जो छोटे बच्चे हो उनको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो, वातावरण अच्छा मिले, जल वायु पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। इसलिए अनुसुईया सेवा संगठन की इस पहल में सभी सहयोग करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जय मां अनुसुईया, जय माता पिता। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।